दिल्ली में हड़ताल पर डॉक्टर केजरीवाल बोले, पैसा देने के बाद भी सैलरी क्यों नहीं दे पा रहा है एमसीडी। दिल्ली में नगर निगम की ओर से संचालित अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ को सैलरी न मिलने का मामला तो पकड़ता जा रहा है। हिंदूराव हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर है। डॉक्टरों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। केजरीवाल ने निगम से कई सवाल भी पूछे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिली है, ये हम सबके लिए शर्म से डूबने वाली बात है। जिन डॉक्टर ने कोरोना में जान की बाजी लगाई, उनको सैलरी न मिलना गलत है। ये मामला संवेदनशील है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर्स को सैलरी मिलनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम में बार बार सैलरी देने के लाले पड़ जाते हैं, ये सोचना पड़ेगा कि नगर निगम में पैसे की कमी क्यों हो रही है। मैंने वित्त मंत्री और अधिकारियों से पूछा कि पैसा कहाँ गया। संविधान में लिखा है कि जितना पैसा आया उससे ज़्यादा ही नगर निगम को दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2013 और 2014 से दोगुने पैसे केजरीवाल सरकार ने नगर निगम को दिए, तो वो पैसे कहाँ गए? नगर निगम के पैसे कहाँ जा रहे हैं? टीचर, सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दी पाई है। नगर निगम को दिल्ली सरकार का 38,000 करोड़ रुपए लौटाना है। जल बोर्ड का भी निगम को 3,000 करोड़ रुपए लौटाना है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर के नगर निगम को ग्रांट देती है। 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरे देश में दिल्ली को ग्रांट नहीं मिल रही है, जबकि जनसंख्या 2.25 करोड़ है। पिछले 10 साल से 12,000 करोड़ रुपए केंद्र ने निगम को ग्रांट नहीं दिया, जो गलत बात है। निगम के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि निगम को ढंग से चला लो।